ऐसा कहते हैं माए के पक्ष की भले ही हजार गलती हो बेटी को कभी नजर नहीं आती, पर ससुराल पक्ष की महाराज छोटी सी भी गलती हो ना तो पूरी नजर आती है ना। तुम्हारे साथ ससुर की कोई बुराई करे कोई बात नहीं है तो ऐसे ही है, पर महाराज तुम्हारे मम्मी पापा की कोई बुराई करे तो पूरी सजा है। अब यहां सती ने सोचा जाऊंगी भाई को भेज देंगे झगड़ा समाप्त हो जाएगा। ये बेटी का हमेशा भाव होता है, वो बैलेंस बनाती है ससुराल और माई के पक्ष। पर अब कैसे, उन्होंने समझाया ऐसा कहते हैं सारी दुनिया तुम्हारी बात माने। सोने का मृग जब आया था ना, कहां आया था, पंचवटी पर, तो सीता को आकर्षित किया, कहती है इसे मार के लाओ, इसकी मृग चाल बनाऊंगी, इस पर बैठूंगी। पर राम जी ने कहा सोने के महल को तुम छोड़ करके आ गई हो, अब सोने के मृग में फंस गई हो, ठीक है। राम समझा रहे हैं, सीता नहीं मान रही, पर राम की बात को सीता ने नहीं माना तो क्या हुआ था, हरण हुआ। और सती को शिव समझा रहे हैं, कहते हैं सारी दुनिया तुम्हारी बात माने पर कुछ खास लोग होते हैं जो तुम्हारी बात नहीं मानते। अच्छा कौन कौन होते हैं? सारे लोग कभी भी तुम्हारे पड़ोसी कभी तुम्हें नहीं मानेंगे। अगर इधर वाला मानेगा ना उधर वाला कहेगा आजकल इनकी बड़ी आजकल पट रही है देख लेंगे दोनों को। एक होते हैं मामा ताया चाचा के हैं, कोई कह रहे उनको जानते हो क्या जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं मुख्यमंत्री, अरे वो तो हमारे मामा का लड़का है हमारा दोस्त। और तीसरे कौन होते हैं, पड़ोसी पड़ोसी दूसरा, अरे उनको जानते हैं क्या प्रधान जी को, अरे यार जानते हैं उसको उसकी औकात है पड़ोसी नहीं माने। और तीसरे कौन होती खासम खास बताओ, तीसरे हैं जो कभी आपकी बात को नहीं मानती हैं, उनका नाम है आप सब पतियों की धर्म पत्नियां। ज्यादा समझाने का प्रयास करोगे ना तो क्या कहती हैं, आप जैसे हो चुप बैठे रहो मैं आपको अच्छी तरह जानती हूं, ऐसे बोलती है ना, बोलती है ना, आप समझा के देख लेना आज शाम को क्या कहें, अरे आप जैसे हो हम अच्छी तरह जानती हैं, क्या जानती है बताओ, क्यों ज्यादा जो करीब रहता है वो हमारी कमियां जानता, अच्छाई थोड़ी जानता। सबकी पत्नियां यही बोलती होंगी, 100% नहीं हो तो सर्वे कर लो आज, ऐसे बोलती हो, ऐसे बोलते हो तुम सही बोल रहे हो। तो सती ने भी शिव की बात को अनसुना कर दिया, यहीं पर